बाइक ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे बचपन में कभी भी जेन्युइनली सच कहूँ तो इंटरेस्ट नहीं रहा। फॉर मी बाइक्स वर छपरी। बाइक्स वो चलाते थे जो कि बिगड़े हुए लड़के थे, बाइक्स वो चलाते थे जो कि बदमाश लड़के थे। इनफैक्ट मुझे कभी कार्स में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, इनफैक्ट मुझे कभी कपड़ों में भी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं था एक नर्ड जो कि बस कमरे में बैठना प्रेफर करता है, नथिंग एल्स। कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलना, दैट इज इट। उसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेटेस्ट मोबाइल में प्रोसेसर कौन सा आ रहा है, कस्टम रोम कौन सी डलती है, एंड ये जितनी भी नर्डी नर्डी बातें होती हैं। मेरे को कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा बाहर या अपने शरीर पे जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ या फिर मैं किस चीज़ पे सफ़र कर रहा हूँ। पर लेकिन 2021 में जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, उस टाइम पर जब मैंने बस में सफ़र करना शुरू किया डेली 20 किलोमीटर के लिए, तो मेरे को एक चीज़ तो पता लग गई कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर का सफ़र ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में तय होता था, क्योंकि बस रुकती है जगह जगह। सुबह जाते वक्त मुझे कभी सीट नहीं मिलती थी, हमेशा धक्के बजते थे और हमेशा एक आयरन जैसी रस्टी रस्टी पसीने की बदबू आती थी। तो क्या हुआ, मैं आया घर एंड मैंने बस पापा से बात की कि पापा बाइक लेनी है, थोड़े से पैसे मैंने जोड़े थे, थोड़े से पापा से लिए एंड मैं ले आया होंडा हाईनेस। माइंड यू मैंने जीवन में कभी भी बाइक को चलाया तक नहीं था, मैंने सिर्फ साइकिल चलाई थी एंड स्कूटी चलाई थी, वो भी कभी कभी। जैसा कि मैंने कहा, मैं कहीं बाहर जाने वाला था नहीं, इंटरेस्टेड था नहीं, तो कभी मौका भी मिलता दोस्त बोलते चला ले, जीवन में कभी भी नहीं चलाया। बैठकर फोटो खिंचा ली अलग बात है, पर कभी भी चलाया नहीं। बाइक लेने के एक हफ्ते के बाद ही मैंने रैंडमली बाइक चलाना खुद ही स्टार्ट कर दिया एंड मैं सीख भी गया। शुरुआत में 10 से 12 की स्पीड पर चलता था एंड किसी तरह पहुंच जाता था। तब से लेकर आज दिन तक मैंने कभी भी बाइक को सीरियस नहीं लिया। आज दिन तक मेरे में बाइक का वो इंटरेस्ट नहीं है। आज दिन तक मेरे को बाइक को देखकर वो मस्ती मारने की या चलो एक चक्कर मार आते हैं, राउंड ही मार आते हैं, ये सब करने की कभी भी फीलिंग नहीं आई। पर लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आज दिन तक, क्योंकि सिर्फ 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ अलग सा हो गया एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फेल इन लव विद द बाइक्स। 18 तारीख को मैं निकला अपने घर से होंडा की बिग विंग राइड वाली ट्रिप के लिए। तो ओके, मैं पहुंच चुका हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है कैफे एंड मैं आपको दिखाता हूँ बंदे कितने आए हुए हैं, मतलब भरपूर बंदे आए, दूर से होशियारपुर से, पंजाब से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, एंड मैक्सिमम मेरी एज के भी नहीं है, लॉट ऑफ देम आर ओल्डर देन मी। लग रहा है, मुझे लगा था सब मेरी उम्र के होंगे पर बड़े हैं एंड मैं सोलो ही कर रहा हूँ बेसिकली, मेरे साथ मेरे बाकी फ्रेंड है नहीं। फील्स गुड। यहाँ से हम करेंगे अपनी रोड का सफर शुरू खाना खा के, जिसमें जितने भी बाइकर्स थे जिन्होंने होंडा हाईनेस या CB350 खरीदी थी, उन लोगों को इनवाइट किया गया था होंडा की तरफ से एक बरोट वैली की ट्रिप के लिए, जो कि एक नाइट का स्टे होना था एंड कल वापस आ जाना था। मेरे को कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो वहां पर सेल्स में लगे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कर इनवाइट कर रहे थे। मेरे पास कुछ काम भी नहीं था करने को, छुट्टियां पड़ी थी एंड आई जस्ट वांटेड टू शूट मोटो व्लॉग, क्योंकि व्यूज़ किसको नहीं चाहिए एंड आई थॉट इट वुड बी फन अगर मैं ऐसी ऐसी जगहों को ढंग से हाई क्वालिटी में कैप्चर करूँ। सो मैंने भी उनको हाँ बोल दिया एंड मैंने भी अपना बिस्तरा पैक किया एंड मैं भी 18 तारीख को दिन को निकल गया एंड वहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया था कांगड़ा में एक कैफ़े में। मैं जैसे ही कैफ़े में पहुँचा, वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पंजाब से आए हुए हैं। मेरे लोकल एरिया के बंदे सिर्फ एक या दो थे, लेस देन 4 थे, पर वहाँ पर मैक्सिमम बंदे होशियारपुर पटियाला के थे। वहाँ पर कोई भी मेरी उम्र का बंदा नहीं था, सबके सब बड़े थे, एटलीस्ट 29 to 30 अबव। तो वहाँ पर मैं पहुँचते ही थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ओ शिट, ये तो कम्प्लीटली सोलो ट्रिप होने वाली है, यहाँ पर लोग तो हैं पर कोई भी मेरे जैसा नहीं है, आई डोंट नो मेरी बॉन्डिंग भी हो पाएगी कि नहीं। सो एज़ यूजुअल मुझे वहाँ पर एक गिटार पड़ा हुआ मिल गया, मैंने वो उठाया एंड मैंने ऐसे ही रैंडमली बजाना शुरू कर दिया खाने का इंतज़ार करने तक। फिर आया खाना, खाना खाया एंड देन होती है हमारी ट्रिप शुरू। ओके सो लेट अस गो नाउ। आ चुका है वो, हैं सब के सब बाइकर्स, देख लो एक बार कितना घंट व्यू लग रहा है। सो लेट अस गो, मोबाइल से व्लॉगिंग चालू, अब आएगा असली मजा। तो जैसे ही ट्रिप शुरू होती है, हम निकलते हैं कांगड़ा से सीधा बरोट की तरफ, जो कि बाय द वे पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, बैजनाथ के भी आगे। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है एंड मैं स्टार्टिंग में बहुत जजमेंटल माइंडसेट के साथ उतरता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, मैं बचपन से ही बाइक्स को हेट करता हूँ एंड इवन बाइकर्स को हेट करता हूँ, उन्हें छपरी समझता हूँ, क्लाउन समझता हूँ, क्योंकि मेरे को बाइक चलाने वाले जैसा कि मैंने कहा बिगड़े हुए लोग लगते थे। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मन में बहुत ज़्यादा जजमेंट थी लोगों को लेकर, खासकर इन अनोखे अंकल को लेकर, क्योंकि ये अंकल मेरे को हाथ दे रहे थे जब ये मेरे से आगे निकल गए, इन्होंने मेरे को टेक ओवर किया एंड आई वॉज लाइक कि ऐसा क्यों, चुपचाप शांति से चलो ना। बट लेटर कुछ बदल जाता है,
आई लेट यू नो इन अ बिट। इस तरफ जो अंकल आए थे ना बाइक वाले, उनको मैंने पूछा आप कितनी स्पीड पर आए कैफे तक, बोलते 120 पे 110 पे। आई डोंट नो फेंक रहे हैं या क्या, पर भाई मेरी तो फटती है, साफ बात बोल रहा हूँ, मैं 60-70 से ऊपर नहीं जाता कभी भी। आई डोंट फील सेफ इतनी ज़्यादा स्पीड पे फॉर सम रीज़न। ओके गाय आ गई थी सामने, सारे ओवरटेक करने लग पड़ते हैं तेज की स्पीड पर। ये इशू है यार सिंगल लेन रोड्स की ना, इसीलिए 4 लेन बेटर होता है, और ओवरटेक का टेंशन तो नहीं है। ये क्यों तेज बुला रहे हैं मुझे, चैलेंजिंग हो रही है क्या यहाँ पर? आई गेस ट्रक खराब हो चुका है यहाँ पर, देखो बस वाले कितना गंदा धुआं और कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं। छी, और इन छोटे बच्चों से बच के हमेशा, ये बच्चे हैं कभी भी सामने आ सकते हैं। हटो हटो हटो, रास्ता दो रास्ता दो। ओह बल्ले बल्ले बल्ले। ये हम पहुंच गए मलाना में, मलाम मलाम बोलते हैं, मलाम पहाड़ी एक्सेंट में सब कुछ आ होता है आ। ये है यहाँ की रेल गाड़ी की लाइनें, यहाँ छोटी वाली रेल चलती है, बहुत छोटी सी टॉय ट्रेन बोलते हैं जिसे। ओहो साले भैंड के, लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं लेते यार, क्यों करते हो ऐसे? ओके यहाँ पे है हमारा रेस्टिंग स्पॉट आई गेस। समय आ चुका है चलने का, चलो। एक बंदा आगे चला गया था गलत रास्ते पे, कैम्ब्रिज, ये क्या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, व्हाट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ भी है क्या ये कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, वाह वाह। टी गार्डन टी गार्डन टी गार्डन एवरीवन, देख लो देख लो, ये हैं पालमपुर के टी गार्डन। आई थिंक ब्रॉड की तो बात ही नहीं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इतना प्यारा व्यू है और इतनी प्यारी जगह है वो, मैंने तो बस फोटो देखी थी, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है लाइफ में जाने का वहाँ। भाई देखिए ब्यूटीफुल यार, वाह क्या व्यू है यहाँ, तो मैं भी अपने हाथ छोड़ के घूम कर। ओ टक्कर मार दी यार, अच्छा बड़ी धीरे से बची है ऐसे सर, ये देख के मुझे फाइनल फैंटेसी मूवी का वो सीन याद आता है। वाह यार कितना सुंदर रास्ता है, वाह वाह वाह, मूवीज का लग रहा है। अबे ओडी है तो क्या हुआ साला भैंड का कुत्ता, अब मुझे यहाँ पर ड्यूटी मिल चुकी है उन बिग बिग ग्राइंडर ग्राइंडर्स नहीं राइडर्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए, वहाँ पर वो आगे कहीं पर, अब वो आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। वो रही मेरी रमन ज्योत, ओके सो सबकी रिकॉर्डिंग कर ली मैंने, अब समय आ चुका है वापस चलने का। जाम भाई जाम, बहुत पतला रोड है यहाँ का। वाह यार अंकल को देखो, वाह कहाँ से निकाल दी गाड़ी बाइक, सॉरी मेरे में तो इतने है ही नहीं स्किल्स। ओके नाइस, आज गायें बड़ी आ रही हैं यार। वाह यार क्या व्यू है, वाह 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 वर्ची, ओह नेवला ये रही,
यही है ना हमारी गाइड, बस यही है। सो लेट अस गो। सोडा पी लिया यहाँ पर मैंने, 35 रुपये का सोडा लगा, 40 ले रहे थे वैसे, पर मैंने वो बोली ना पहाड़ी बोली, तो मेरा काम सस्ते में हो गया। उतर गई थी अभी बाइक यहाँ पर। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी वैली है, वो देखो पीठ। हे भगवान मेरी पीठ, माय बैक। आ मेरी पीठ, पीठ की धज्जियां बन चुकी हैं इस वक्त। वाह वो व्यू को देखो, वो देखो गाइस व्यू, क्या व्यू है यार। वाह 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 वाह, यार तुम्हें रुक कर व्यू दिखाता हूँ 2 मिनट। है ना जबरदस्त व्यू, वाह ऊपर पता नहीं कितना सेक्सी व्यू होगा। लेट्स गो अब आइए नर्दी, चलो। वाह ठंडी ठंडी हवा लग पड़ी गाइस, यहाँ टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हुआ अभी, एकदम से मेरे हाथों में ठंड बजी, एकदम से लगा कि 4 मंथ आगे चला गया मैं, और ठंड पड़ गई एकदम ही। वाह यार जगह तो ये है एक्चुअल वाली, वाह ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल, क्या ही माहौल है। वाह यार ये तो ड्रीम एरिया लग रहा है सच में यार, मेरा मन फ्रेश हो गया, खुशी हो गई बिल्कुल ही। वाह भाई बिल्कुल ठंडा हो चुका है इस वक्त मौसम, मेरा फ़ोन भी ठंडा हो गया। ब्रोट अगे है सीधा ही है ना, मोड़ता नहीं कोई। हमको समझ पागल या तो बोलो, दूर आई। इस सफर में व्यू नाम की कोई चीज नहीं आई, एटलीस्ट ब्रोट से 10 किलोमीटर पीछे तक, वहाँ पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। इट वॉज़ लाइक अ नॉर्मल पी पू पोल्यूशन गर्मी में सफ़र करना, एंड आई वॉज़ लाइक ठीक है चलो काम चलाओ, व्लॉग बन गया। मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ मेमोरेबल नहीं हुआ उस रास्ते में, वो ही यूजुअल गाड़ियों को ओवरटेक कर बाइकर्स को नीचे उतारना सड़क से एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जैसे ही हम रोड के 10 किलोमीटर के पीछे पहुँचे, सो चार्जिंग हो चुकी है फ़ोन की, एंड लुक एट दिस प्लेस मैन। मेरी वैसे 25% ही चार्जिंग हुई, पर मैंने सोचा ऐसी की तैसी चार्जिंग की, ये एरिया तो दिखाना बनता है यार। मतलब मैंने लाइफ में ऐसा एरिया कहीं नहीं देखा, मैं करेरी गया हूँ वहाँ भी नहीं देखा मैंने। देखिए तो बिल्कुल एक ड्रीम लैंड लग रहा है, इस जगह का नाम बरधा, और भाई क्या ही एरिया है यार। वाओ बिल्कुल ऐसे ना फिल्मों वाला हिमाचल लग रहा है। बिल्कुल दिखाता हूँ, वो देखो वो बकरियाँ कहाँ चढ़ी हैं इनमें कितनी पावर है, कहीं भी चढ़ जाती हैं। मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ ये रहना और मैं। तो वहाँ पर सडनली इन्वायरमेंट बदल गया, वहाँ पर सडनली वो एक फील आने लगी कि शुक्र है मैं कहीं पर आया हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसको पहाड़ सबसे ज़्यादा पसंद होंगे। आई डोंट थिंक मुझे बाहर घूमने में और कुछ इतना पसंद है, मे भी समुद्र, वो भी इमेजिनेशन में कभी गया नहीं हूँ, बट आई लव माउंटेन्स, मुझे बहुत पसंद है पहाड़ चढ़ना। इनफैक्ट मैं डेली दिन को मॉर्निंग वॉक में पहाड़ों पर जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। जैसे ही मैं बरोट की पहाड़ियों पर पहुँचा, इट वॉज़ अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर मी। वहाँ पर बहुत प्यारा इन्वायरमेंट था, ब्लू ब्लू कलर था चारों तरफ, ठंडी ठंडी ब्रीज थी, एंड वहाँ पर शांति थी, आई लव शांति। बरोट के सफ़र को मैं कहूँगा मेरे लिए यादगार था, एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर इट। वाओ पर जैसे ही मैंने एक बोर्ड देखा बरोट 5 किलोमीटर दूर है, सडनली रास्ते में हमारे एक हमराही भैया ने हाथ दे दिया, बोला नीचे को जाओ। मैं भी नीचे को बाइक ले गया। भाई साहब डेंजरस ढलान, कोई बात नहीं हम उतर जाते हैं फिर। ऑलराइट ये रास्ता थोड़ा सा डेंजरस है,
वैसे आई डोंट थिंक हम ब्रोट में हैं अभी, अभी तो हम ऊपर ही हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओ हो हो, ये डेंजरस है भाई, यहाँ से वापस कैसे लेके जाऊँगा मैं बाइक को, अब तो डर लग रहा है। चढ़ जाएगी वापस, सोचने में डर लगता है, इसलिए अपने कुछ नहीं आता। नो नीड टू वरी, ऑल राइट, हम पहुँच गए हैं अपने कैंप में। वहाँ पर हम पहुँच गए एक कैंप में, वो कैंप था एक खड के पास, एक नदी के पास बनाया हुआ तंबुओं का कैंप, जिसमें 10-15 तंबू थे, खाने को एक कैफे था एंड एक बॉनफायर टाइप की जगह थी। वाओ, लुक एट द व्यू, होली शिट, डैम, आई थिंक ये ब्रोट नहीं है, ब्रोट के वैसे नीचे हैं, पर ये इतना सुंदर एक्चुअल ब्रोट पता नहीं कितना सुंदर होगा। वाओ, तो मैं अब अपना शॉट दिखाता हूँ एक। ऑल राइट, तो पूरी रात बिता ली है कैंप में हमने, अब समय आ चुका है वापस जाने का ऊपर गांव घूमने, क्योंकि कैंप में थोड़ी आया हूँ मैं तो बरोट के गांव में आया हूँ। और भाई यहाँ गंदी चढ़ाई है, मैंने कहा था यहाँ पे चढ़ाई आने वाली है। ओके, हो गई हो गई हो गई, बाइक की जान तो लगी भाई, नो डाउट, पावरफुल जगह है, बाइक भी पावरफुल है। मैं कल परेशान हो रहा था कि हम ये कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ मतलब वो मछली नहीं कुछ नहीं, ये कहे कि बरोट वैली, पहले पता था तो मैं अकेला आ जाता ऊपर, वहाँ नहीं रुकता। देखो यहाँ के विलेज, आराम से दिखाता हूँ। वो पता नहीं क्या है, बड़ा सा डैम जैसा, शायद यहाँ पर फिश होती है, ये डैम ही है पता नहीं। और ये सब होम स्टे हैं, पूरी इकोनॉमी यहाँ पर टूरिज्म की वजह से चल रही है, कितनी सुंदर जगह। बरोट में पहुँचा तो एक काफ़ी सुंदर हिल स्टेशन टाइप का विलेज आया, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, ऑल्दो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था मेरे लिए, मेरा मुंह खुला रखने वाली कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि वैसा ही मैक्लोडगंज धर्मशाला में भी होता है। पर लेकिन वहाँ से मैंने और सफ़र शुरू किया पोलिंग के लिए। पोलिंग एक गांव है जो कि बरोट से भी अराउंड 8-10 किलोमीटर आगे आता है, एंड ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। वाह यार, यहाँ तो व्यू दिखाना मांगता है, वाह वाह वाह, ये ऊपर कोई इंडस्ट्री वगैरह है और शायद बिजली की तारें भी आ रहे हैं। वाह यार, कितने अनंत पहाड़ हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, ओ हो, मेरा तो भाई मुंह खुला का खुला रह गया,
इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ये पत्थर कितना बड़ा है, पहाड़ से गिरा होगा कभी। एंड मैंने इस गांव के बारे में ना ही कभी सुना था, ना ही कभी पढ़ा था, एंड मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बस एक अंकल से पूछकर इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। इस रास्ते पर बाइक चलाना आई थिंक मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बाइक एक्सपीरियंस में से एक होगा, जीवन भर याद रहेगा। हर एक एक मिनट में मुझे ऊंचाई इंक्रीज होती हुई दिख रही थी, व्यू बेटर होता हुआ नजर आ रहा था। उस शांति में जो मेरी बाइक की आवाज़ आ रही थी, जो वो टायर के घिसने की फीलिंग थी, वो कम्प्लीटली अनबिलीवेबल थी। लेफ्ट साइड मेरे एक इनसेन व्यू था, ऐसा व्यू था जिसको मैं जीवन भर याद रख सकता हूँ, जिसको अभी भी याद कर कर मेरे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जा रही है और मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। इस सफर को पूरा करने के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां पर हो गई सड़क खत्म। वहां से था पैदल जाने का एक ट्रैक। मैंने सोचा चलो ठीक है, हम पैदल नहीं जाएंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। हम देखते तो हैं कि कितनी आगे तक ये विलेज है। ओ देखो यार व्यू, ओ माय गॉड, होली शिट मैन, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है। वाह यार वाह, वाह वाह भाई, कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, कितनी ऊंचाई पे हूँ। तुम्हें एक बार एग्जांपल देने के लिए दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई। चलो अब देखते हैं पोलिंग जगह है क्या, सड़क कितनी पतली है, यहाँ से बाइक ले जाएगा। वहाँ से मैंने आगे चलना शुरू किया, कुछ पिक्स खिंचाई। बाय द वे यहाँ पर बर्फ भी गिरती है बहुत ज़्यादा। वाह यार क्या ही व्यू है, मतलब मज़ा आ गया ये व्यू देखकर। अब लग रहा है यार कि आया हूँ मैं, मतलब कहीं पे आया हूँ। पहले तो इतनी शिट सी जगह थी, देखो यहाँ पर भी एक पाठशाला है कि यार स्कूल भी है, कॉलेज भी है, बस आई डोंट थिंक इंटरनेट होगा, सिर्फ BSNL की सिम मिलती है यहाँ पर। भैया कॉल नहीं होगी, कॉल नहीं हो जाएगी कॉल भाई। अच्छा, वहाँ पर एक भैया मिल गए उसी गांव के, जो कि बाय द वे मुझे काफ़ी सारी इनसाइट्स दे रहे थे उस गांव की। यहाँ पे कौन सी भाषा चलती है वैसे? भाषा तो यहाँ की कोई नाम नहीं है ना, देखे जाए तो भाई कुछ कहते हैं। अच्छा कि किस तरह यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसका कोई नाम नहीं है, बट वो काफ़ी सिमिलर है टू दी लैंग्वेज ऑफ कुल्लू। एंड ये मेरे लिए एक ट्रिविया था, तो आपके लिए भी ट्रिविया, आप भी याद रखना कि पोलिंग में जो भाषा बोली जाती है उसका कोई नाम नहीं है। पोलिंग से मुड़ने के बाद मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो मुझे मेरे बाइकर्स की गैंग फिर से दिखी, एंड पता लगा कि वो लोग बरोड से टर्न लेकर पर्वतों की तरफ जा रहे हैं। एंड ये वही पर्वत हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को जोड़ते हैं एंड डायरेक्ट आपको बिलिंग में पहुंचा देते हैं। ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए मैप देखना पड़ेगा। तो हम कांगड़ा से इस रास्ते से होते हुए हाईवे की तरफ से बरोट गए थे, पर अगर हम बरोट में ही ऊपर को जाएं तो हम दोबारा से पर्वतों वाले रास्ते से वापस अपने सर्कल बनाकर आ सकते हैं। तो भाई बाइकर्स ने वो करने का प्लान ले लिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या भैया ये रोड अच्छा है, उन्होंने बोला थोड़ा सा खराब है, बट लिटिल सिली मी, मुझे क्या पता था। सेफ है रास्ता ना, सारे गए डिसाइड किया उधर से जाना है। चल ये भैया मुझे बोल रहे थे कि अगर आपने अकेले घूमना तो आप घूम सकते हो, मैंने बोला कहाँ जाऊँ अभी अकेले मैं। तो आई नोटिस्ड कि धीरे धीरे रोड की क्वालिटी खराब होती जा रही है, पर लेकिन व्यू की क्वालिटी बिलियन टाइम इम्प्रूव होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आया जब मैं सड़क पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड इतना प्यारा व्यू था। लेफ्ट साइड से याद आया कि लेफ्ट साइड मौत भी थी, क्योंकि वहाँ पर एक गहरी पहाड़ी थी जहाँ से अगर मैं गिरा तो मैं दिखूंगा भी नहीं। तो मैं रॉन्ग लेन में चला पूरे रास्ते में, क्योंकि मुझे भाई डर लग रहा था सच कहूँ तो मौत का। अभी होगी शूटिंग थोड़ी सी, तब तक मैं तुम्हें यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ खतरनाक वाला। ये देखो क्या ही व्यू है यार, क्या ही व्यू है, और हाईनेस पे क्लैपिंग है यार। जबरदस्त बाइक है यार, जबरदस्त बाइक, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया इस बाइक ने यार। बाइक में कुछ हो रहा है, देखो पिकअप नहीं मार रही है, रैंडमली कुछ हो जा रहा है और अब मार दिया एकदम ही, शायद यहाँ पे ऑक्सीजन का है कुछ। मेरे लेफ्ट और राइट वैसे दोनों तरफ मौत थी, राइट साइड में लैंडस्लाइड्स का डर था, लेफ्ट साइड में गिरने का डर था, पर लेकिन पिक योर पॉइजन वाली बात थी, मैंने राइट साइड का पॉइजन चूज कर सही समझा। मेरी स्पीड बहुत ही कम थी अंकल के कंपैरिजन में, क्योंकि मैं डर डर के चल रहा था, मेरा दिल खुला ही नहीं है बिल्कुल भी बाइक्स को लेकर, और मैं आई थिंक 10-15 की स्पीड पर चल रहा था, उतराई आ रही तो 4-5 की स्पीड पर चल रहा था। अंकल आराम से ऐसे चैट की तरह चले जा रहे थे, वो मेरे को बहुत पीछे छोड़ दे रहे थे।
पर मैं अपनी उसी धुन में गाना गाता हुआ चल रहा था। वो सफ़र था अराउंड 4.5 घंटे का, जब तक दोबारा हाईवे नहीं मिलता। आई मीन 3.5 से 4 घंटे के लिए मेरे को उसी रास्ते पर चलते जाना था फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड मेरी स्पीड जैसा कि मैंने बताया 15 से 20 किलोमीटर आर थी, या 15 थी या 10 थी, इतनी थी। उस पूरे रास्ते में मेरे पास ना ही कोई बात करने को था, ना ही मैं म्यूजिक सुन रहा था, ना ही वहाँ पर किसी भी तरह की मूवमेंट हो रही थी। वैसे सच कहूँ तो यार ये ट्रिप ज़रूरी था खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इन लॉन्ग राइड्स में। इतने टाइम से आई थिंक आई नीडेड इट। मेंटली मैं एक राइट प्लेस पे नहीं था बहुत समय से, पर्सनल इश्यूज, फ्यूचर के इश्यूज, पास्ट के इश्यूज। लाइक ये सफ़र करने से इट इज़ ऑलमोस्ट एज इफ मैंने खुद को ज़्यादा जाना थोड़ा। मूवमेंट इन द सेंस, आप जब हाईवे पे चलते हो तो यू सी अ लॉट ऑफ कार्स, गर्ल्स, बॉयज, कुछ ना कुछ दिखता रहता है हर एक सेकंड बाद, तो तुम्हारा दिमाग सोचता रहता है कुछ कुछ। पर उस पहाड़ पर व्यू के सिवा और मेरी बाइक की पड़ इस आवाज के सिवा और कुछ भी नहीं था, कंप्लीट साइलेंस थी। ऐसे ऑलमोस्ट एक मेडिटेटिव सी स्टेट में पहुंच जाते हो तुम ओवर टाइम अगर बाइक राइड करते रहो ना अकेले, कोई बात करने को ना हो, जैसे खुद में खो जाते हैं ऐसे लगता है थोड़ा सा। दैट इज गुड। ये डेंजरस एरिया है एंड तुम्हारा फोकस भी भटक नहीं पाता ज़्यादा, सड़क पे रखना पड़ता है। सो आई थिंक ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो मैं गाने भी कितनी देर गा लूँगा, मैं व्लॉग के लिए बोल भी कितनी देर लूँगा। देर केम अ टाइम जब सडनली मेरे को वेड एस ख्याल आने लग पड़े कि वट इफ आई डाई हेयर बट विल हैपन। क्या मैं जिनको अपना समझता हूँ वो मेरे हैं भी हैं? क्या ये पहाड़ उनसे ज़्यादा मेरे हैं या मैं इन पहाड़ों का? क्या मेरा वजूद मैटर भी करता है? क्या मैं आयुष हूँ या मैं एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हूँ? वट विल हैपन अगर मैं यहाँ से गिर जाऊँ? मेरे चैट टैग चैनल का क्या होगा? मेरे ब्लॉग का क्या होगा? क्या मैं अगर यहाँ से गिर गया तो मेरा कोई फ़ोन उठाकर ये ब्लॉग दोबारा पब्लिश कर सकता है? इस तरह के करोड़ों अनगिनत क्वेश्चन आ रहे थे। बट देयर केम अ टाइम जब वो क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, ऐसे मेरी रूह को छू जाने वाली जगह लग रही है। ओह गिरा था, अभी गिरा था, मैंने अगर दूसरा हाथ नहीं पकड़ा था। मैंने एक हाथ ऐसे बस ये करने को किया इधर को ये वाला, और एकदम से टायर के नीचे आकर हैंडल इधर को मुड़ गया था, बच गया। जो बचा वो थी साइलेंस एंड बाइक की आवाज़। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ बाइक मेरे साथ बात कर रही थी, मेरे को बता रही थी दैट ऑल योर वरीज कर लेते हैं स्टार्ट आर यूजलेस। वाह यार क्या जगह है, वाह। ये पहाड़ बिलियंस ऑफ ईयर्स से यहाँ पर खड़े हैं एंड तेरे जैसे करोड़ चींटी जितने इंसानों को देखा। मतलब मैं अकेला भी हूँ और एक अकेली सुनसान जगह पे भी हूँ, बस मैं और मेरी रमन जो होते हैं साथ में, जिनके सामने तेरी प्रॉब्लम्स खुद चींटियाँ हैं, येट स्टिल ये पहाड़ उन पर हंसते हैं। तो तू क्या, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ मेरे लिए पास्ट एंड फ्यूचर दोनों डिसअपियर हो गए। जो मैटर कर रहा था वो था प्रेजेंट, वो था उस रोड पर फोकस करना, कंप्लीट फोकस करना, जैसा हम मेडिटेशन लग रहा है। पर मेडिटेशन में मौत का डर कभी नहीं होता, इसमें मौत का डर था, इसमें लेफ्ट साइड गिर जाने का डर था। ऐसे एक नेचर के साथ कनेक्शन सा बन रहा है, ऐसा लग रहा है देयर इज गॉड एवरीवेयर हियर, हर एक कण कण में भगवान बसे, ऐसा लग रहा है। इसमें जिंदा ना मिलने का डर था, इसमें सारे सपने अधूरे रह जाने का डर था, इसमें माँ बाप के नाम को रोशन ना करने का डर था, इसमें डर था खुद से ना मिल पाने का। ऐसे अजीब लग रहा बोलते पर ऐसे फील हो रहा है कि मैं ही ये पहाड़ खुद हूँ, ये कोई डिफरेंट एंटिटी नहीं है बट ये मैं ही खुद हूँ, अ पार्ट ऑफ दीज माउंटेंस। मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब तुम पर्वतों के पास जाते हो ना
तुम्हें हैप्पीनेस इतनी फील होती है, मतलब क्यों होती है? क्योंकि एक तो चलो ठीक है तुम्हें वो नेचर है, तो नेचर के तुम हो तो तुम वो एकता हो जाती है, तुम अपनी नेचुरल चीज़ से मिलते हो, वो अलग है। बट एक और चीज़ है कि जब तुम बाहर देखते हो तो तुम देखो कितनी दूर देख सकते हो, जब तुम शहर में होते हो सिटीज़ में होते हो तुम्हारी विजिबिलिटी ब्लॉक हो जाती है, दूर कोई बिल्डिंग होती कुछ होता है, इधर दूर में दूर तक कुछ है ही नहीं। इवन ये चीज़ समुद्र में भी अप्लाई होती है, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं दिखता। ऊपर से ये पहाड़ कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े जाइंट ऊंचे, तुम्हारा सोचने का नज़रिया भी ऊंचा हो जाता है। एक ट्रांस स्टेट लग रही है बता रही मुझे। और उस डर की वजह से ये मेरे जीवन की बेस्ट मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में से एक था। इस मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में मैंने अपनी बाइक को इतना ज़्यादा जान लिया जितना मैं खुद को नहीं जानता। मैं अपनी बाइक का नाम जरूर रखा है रमन ज्योत, पर लेकिन कभी उससे बात नहीं की जीवन में, कभी उसको महसूस नहीं किया, कभी उसको और अपने आप को एक समान नहीं समझा। पर उस सफ़र में सब कुछ बदल सा गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ मैं कौन, बाइक कौन, पहाड़ कौन, सड़क कौन, मौत कौन, सब एक पर एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह चले जाएंगे। ये सब सोचते सोचते और इतनी डीप थिंकिंग में जाने के बाद फाइनली नेक्स्ट स्टॉप आता है। आई थिंक एक डिफरेंट ही ग्रुप है, नहीं मेरा ही ग्रुप है ये, जहाँ पर दोबारा से अंकल मिलते हैं। वो मेरे लिए रियल का जूस लाते हैं, जो कि देखकर मेरे को एक ह्यूमैनिटी पर हैप्पीनेस आती है। लाइक उनको कुछ भी नीड नहीं थी वो जूस लाने की, आई गेस उनको मेरे में अपना बेटा बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा होगा, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। पर वो लाए और मैं जीवन के इन्हीं गहरे गहरे क्वेश्चनों में गहरी गहरी बातें कर रहा था घुस कर, एंड सडनली मैं आता हूँ बैक टू द रियलिटी, क्योंकि मेरे को महसूस होता है मेरे कंधों पर मेरा बैग नहीं है। मेरा बैग रह गया, शिट, कहाँ पे? जहाँ पीछे रुके हैं। क्या क्या सामान है उसमें? मेरा चार्जर, पैसे। चल वापस चलते हैं, ले आ तो कोई बात नहीं, हम यहीं रुके हैं, आराम से ले आ। कहाँ गिर गया? थोड़ी सी पीछे, जो कि 10 किलोमीटर पीछे रह गया, क्योंकि इस पूरे सफर में बीच बीच में हम रुक रहे थे फोटोज खिंचवाने, एंड वहां पर मेरा बैग रह गया था। अब मेरे पास तीन ऑप्शन थे, या तो मैं इनके साथ आगे चला जाऊं, बैग को मारूं गोली, पर मेरे बैग में मेरा आधार कार्ड, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस एंड मेरे कुछ पैसे एंड चार्जर भी आ रहा था। सेकंड ऑप्शन था कि मैं जाऊं वापस बैग को ले आऊं एंड वहीं से वापस नीचे को चला जाऊं और घर पहुंच जाऊंगा। मैं इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सोच ही रहा था तभी अंकल को मैंने बताया कि अंकल बैग रह गया। अंकल ने बोला तू जा, हम रुके हैं, आराम से ले आ। विश्वास नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक 10 किलोमीटर मैं जाऊंगा कितनी देर लगेगी, मेरे लिए क्यों रुकेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया, मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, जल्दी जाता हूँ। बोला आराम से जा, हम रुकते हैं। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे लिए एक अननोन स्ट्रेंजर क्यों रुकेगा। मैं भी वहां से मुड़ा, बाइक ऑन की, एंड आई थिंक वो कंप्लीट ऑपोजिट राइड थी कंपेयर टू उस राइड के जिसमें मैं आया था। लाइक जब मैं आया मैं 15-20 की स्पीड पर एग्जिस्टेंस, ह्यूमैनिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन सब को डिस्कस कर रहा था खुद के साथ ही, एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था। इस बार भी मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में था, पर इस बार मैं एक ऑलमोस्ट वॉर लाइक स्टेट ऑफ माइंड में था। मैंने 70 से 60 की स्पीड पर बाइक दौड़ाई, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, एंड मुझे बस किसी तरह से वापस पहुंचना था और अपने बैग को उठाना था, अदरवाइज मेरा बैग गुम हो जाता एंड मेरे कम से कम 3 months बर्बाद हो जाते ऑफिस के चक्कर काटने में दोबारा से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो मैंने 70 की स्पीड पर उसी सड़क पर दोबारा बाइक चलाई जहां पर मुझे मौत का डर था और मेरे से स्पीड नहीं बढ़ रही थी। आई डोंट नो मैं कैसे पोजेस हो गया या क्या हो गया, पर मैं इतनी स्पीड पर बाइक इवन हाईवे पर भी नहीं चलाता। सो गाइस, मेरा यहाँ पर ना बैग ही रह गया था। अब मैं यहाँ से वापस गया फिर, और अब बारिश लग पड़ी है, उतनी दूर से मैं वापस आया फुल स्पीड में, 60-70 की स्पीड पर दौड़ाई है भाई मैंने बाइक, और अब मैं वापस जा रहा हूँ फिर से फुल स्पीड में ही। अब खींच ही देनी है, उन्होंने बोला मेरे लिए इंतज़ार करेंगे, लेट अस सी करते हैं कि नहीं करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, वो करेंगे इंतज़ार या नहीं करेंगे। मैं किसी तरह से वापस पहुंचा, वहां पर मेरे को मेरा बैग मिला एंड मैं वापस से बाइक में बैठा, एंड इस बार मैं और स्पीड में गया, इतनी स्पीड में गया कि जब मैं पहुंचा तो इवन अंकल भी हैरान हो गए कि मैं कैसे वापस पहुंच गया, मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। शंकर मेरा पूरे शूज गीले हो चुके हैं इस वक्त। शंकर
चलो बारिश भी कम हो गई या फील नहीं हो रही, जो भी बोल लो। गुड यार, नाइस। बाइक में तो भाई दम तो है। ओह ओह, स्किट हो गई, दम बोलते ही ओह पिछला टायर पूरा स्किट हो गया लेफ्ट साइड को। हे भगवान, हे भगवान। हाँ, ये बारिश हो रही है, बड़ा खतरनाक रोड है बारिश में ना, स्किट हो जाता है। इतनी ज्यादा नहीं हुई है तो निकल जाना हमने, बस रुकना नहीं है कुछ। ठीक है, मोबाइल कौन खोल ले, खराब है ना मोबाइल जरा बारिश। ठीक है, खोल ले मोबाइल ना। वैसे मोबाइल वाटर प्रूफ है दोबारा। अच्छा वाटर प्रूफ है, दोबारा आना कभी राम में करके ब्लॉगिंग डाल रहा हूँ। हाँ अभी इतनी दौड़ाई ना, मैं अंदर से छुपा हुआ वो निकला। फाइनली मेरा बैग मिला, सांस में सांस आई, पर एक साइड इफेक्ट था, बारिश लग पड़ी थी। अब अंकल और मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम वापस चले जाएं दोनों, या हम दोनों ऊपर को चले जाएं। क्योंकि माइंड यू, मेरे लिए सिर्फ अंकल रुके थे, बाकी कोई नहीं रुका था, तो अंकल और मैं ही बचे थे अब। तो अंकल ने कहा चलो हम जल्दी से चलेंगे, बारिश थोड़ी थोड़ी लगी है। मेरी फट के हाथ में आ गई, क्योंकि जो सामने सड़क दिख रही थी वहां पर इवन पत्थर भी नहीं थे, वो सीधा लाल मिट्टी थी जो कि फ्रेश जेसीबी से पहाड़ को खोद के बनी है। ठीक है अंकल, आप जैसा बोलो, आपके पीछे पीछे। मरो में पता नहीं क्यों हाँ कर रहा था, एक पार्ट बोल रहा था मत जा, एक पार्ट बोल रहा चला जा चला जा। एंड मैंने भी अंकल को फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड ये ड्राइव मेरी बहुत डरावनी ड्राइव थी, पर व्यू यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्यारा था। यहाँ पर सूखा है, यहाँ से चलता हूँ मैं। चल 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 चल, खींच खींच खींच। गुड रमन ज्योत बेबी, तेरी आज प्यारी सर्विस करवाऊंगा, तू बहुत गुड गर्ल है। इतना साथ तो कोई ना निभाए जितना तू निभाती मेरा। भाई मेरा बैग रह गया था यार, कितनी स्पीड पे गया हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अभी तो अंदर से एक दानव निकला अचानक ही, और मैं इतनी दौड़ाई बाइक। भाई इतना लाइफ फील कर रहा हूँ, पता नहीं कितने टाइम बाद किया है। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के यार एक लाइफ अलग ही हो जाती। वाह, यहाँ पर खेत देखो, घर भी हैं, कच्चे घर। ओह शिट, फिर आया गंदा रास्ता, बहुत ही गंदा है रे। भाई ऐसी जगह पे कैसे चल सकती है बाइक, पता नहीं किस्मत के भरोसे चल रही है। भाई ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा जोर से। जेब में एक रियल जूस है, वो भी पिया नहीं अभी तक। भाई ओले गिर रहे हैं, उंगली में लगी है, भाई जोर से लगी, बहुत जोर से लग गई, ओले गिर रहे हैं। भाई साहब यार, मैं नहीं इतना एक्सपर्ट ड्राइवर, भगवान क्यों टेस्ट कर रहे हो मेरा। मैं अपने कॉलेज तक जाने में डरता हूँ यार, आप मेरे को कहाँ ले आए। पूरी तरह दिमागी संतुलन खो चुका हूँ, जो ऐसी बारिश में चल रहा हूँ। ओए होए होए होए, भाई साहब बड़ा गंदा रास्ता, बड़ा गंदा रास्ता। अब लगती है अचानक से ही बारिश, और बारिश इतनी तेज हो जाती है कि जो ओले गिरते हैं वो ऐसे लगता है कि उंगलियों को आर पार कर देंगे। ऐसा लगता है कोई जोर का पत्थर मार रहा है खींच खींच कर, मेरे हेलमेट के ऊपर डमरू बजा रहा है कोई खींच खींच कर। तभी अंकल अचानक से ब्रेक मारते हैं, मैं भी मारता हूँ। भाई गंदी बारिश हो गई, शिट 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 शिट। यहाँ लगा देता हूँ, ये जगह ठीक लग रही है। बाइक ना गिर जाए यार, वो भी डर है।
भागो 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 भाग गया मैं भाई, निचुड़ गया हूँ पूरा, निचुड़ गया निचुड़ गया चुड़ गया चुड़ गया। शुक्र है वाटर प्रूफ फोन है, ठंड लग रही है। देखता हूँ नीचे तो एक छतर छाया बनाई हुई है किसी गद्दी ट्रैवलर ने टीन की, एंड हम उसके अंदर भाग जाते हैं। वहां पर होते हैं मेरे कपड़े चेंज। अब मैं इस वक्त पूरा भीग चुका था, मेरे पास कोई बैकअप कपड़े भी नहीं थे, मैं सिर्फ एक शर्ट और एक जीन में गया था। अब गेस व्हाट, वो अंकल इतने काइंड थे, वो अंकल मुझे अपनी शर्ट देते हैं, मैं उनकी शर्ट पहनता हूँ। एंड बाय द वे मेरा एक कजिन भी ऐसा है जो कि अपनी शर्ट कभी नहीं देता मुझे, अपने कपड़े कभी नहीं देता, आई डोंट नो व्हाई। तो मेरे को तो होप ही नहीं थी कि ये देंगे। एंड हम वहाँ पर इंतज़ार करते हैं एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का। वहाँ से बाहर निकलने के बाद दोबारा से हम बाइक पर बैठते हैं एंड हम फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। और इस बार तो रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था क्योंकि वो लाल मिट्टी अब गीली कीचड़ जैसी मिट्टी बन चुकी थी। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सफ़र शुरू होता है क्योंकि अंकल एक्सपीरियंस ड्राइवर थे, मे बी उनको इतना डर नहीं था या ऑल दैट स्टफ, तो वो मेरे से बहुत तेज़ चल रहे थे। मैं चल रहा था 5 या 4 की स्पीड पर क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था। एक टाइम आया कि वो मुझे दिखना ही बंद हो गए, एंड जब तक मैं नीचे नहीं पहुंचा मुझे दिखे नहीं है बाय द वे। तो उस सफर में बिल्कुल ही अकेला था, बिल्कुल ही अकेला। क्या बन गया सड़क का, हे भगवान। दूसरी तरफ ही रहता हूँ, फर्स्ट गियर डाल दो और चलो। सही है, चलो 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 चलो। हाँ क्या ही ट्रिप हो गया यार, खजियार वाली फीलिंग आ रही है। ओ भगवान क्या बन गया यार सड़क का। ओए 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 ओए, पता है ऐसे रास्तों से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार मैं बहुत टाइम पहले सल्ली साइड गया था, वो भी काफ़ी ऊंची जगह है करेरी तरफ। ओह डूबी गई भाई बाइक एकदम उधर। भाई साहब पता क्या क्या हुआ था मेरे साथ, मेरा ये भेंट में लग, जैसे लेफ्ट साइड की जगह ना यहाँ उतरने वाली थी बाइक, तब से मुझे ना फोबिया है ऐसी गीली मिट्टी से। चलो आगे रास्ता सही हो गया। ओह भाई मुड़ गई थी बाइक अभी मेरी। क्या व्यू है, वाह वाह यार, पर अब व्यू भी इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि मौत का डर लग रहा है। वो कितनी आगे चले गए भाई मेरे से। वाह ये व्यू तो दिखाना बनता है यार, क्या ही व्यू है, रुको दिखाऊं तुम्हें। वाह यहाँ आलू उगते हैं शायद, हम वो उधर से आए हैं, पूरा पहाड़ क्रॉस किया है। चलो मस्ती हो रही है फुल इधर भी, हिमालयन वगैरह लेकर आए लड़के। ओ भाई स्किट हो जा रहा है टायर, भी पूरा टायर स्किट हो जा रहा पिछला। ये पता है यहाँ पर क्यों रखी मशीन, क्योंकि यहाँ पर रेगुलरली ऊपर से चीज़ें गिरती हैं और सड़कें बंद हो जाती हैं, फिर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर सीधा करते हैं रोड को। मैं तो इसी तरफ चलूँगा भाई, माँ की सीरी मराए लेफ्ट वाली साइड। ओह उधर गिरा तो गया, यहाँ गिरा तो कुछ नहीं होगा। राइट चलो राइट चलो। मैं ओ भाई टायर, ओए ओ भाई टायर तो बिल्कुल फिसल रहा है इधर, इधर तो ग्रिप ही नहीं है टायर में। यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल देता हूँ आराम से। चलो भाई व्यू देखो तुम, व्यू भाई साहब मैं कहाँ यहाँ से, तो मर भी जाऊँ तो क्या क्या दुख है फिर, और क्या चाहिए, साफ रास्ता चाहिए भाई। चलो सही है, उस तरफ से नहीं निकालूंगा मैं।
नीचे खाई है। एक समय ऐसा आया जब मेरे को अराउंड 4 to 5 किलोमीटर के एरिया के स्ट्रेच में एक दुकान तक नहीं मिली। बिल्कुल घना जंगल और रोड, ट्रैफिक के नाम पर 15 मिनट में कोई एक गाड़ी आ रही थी। माना मेरी गलती है यार, पर धीरे चलो ना यार, बंदा गिर भी सकता है, उधर खाई है तो हर बंदा ट्राई करता है कि मैं इधर इधर राइट राइट साइड से चलूं। मैंने पूरे रास्ते में रोंग लेन में बाइक चलाई है, बिल्कुल धीरे धीरे चलाई है। बारिश इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी, कपड़े इतने भीग चुके थे, ठंड इतनी लग चुकी थी कि मेरी उंगलियाँ और हाथ बिल्कुल लाल हो चुके थे। मेरी बॉडी एक टाइम पर तो बिल्कुल गिव अप कर चली थी। गिव अप नॉट इन द सेंस कि मैं टपकने वाला हूँ, पर गिव अप इन द सेंस कि मेरे पैर से मेरे से गियर नहीं डाला जा रहा था और लेफ्ट हैंड से क्लच नहीं दबाया जा रहा था। इतना चिल्ड हो चुकी थी बॉडी। माइंड काम कर रहा था, हार्ट काम कर रहा था, पर बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था ढंग से। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरा दिमाग भी गिव अप करने लग पड़ा एंड मैं अजीब अजीब बातें करने लग पड़ा। उसमें बेहोश भी उछ ना हो जाऊँ कोई ठंड के मारे ना, अभी यहाँ कोई भी नहीं है, ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊँगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, आई हैव मेरे खून में मेरे पूर्वज दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। लाइक ग्लोरी टू ओडिन, लॉन्ग लिव ज्यूस, इंद्रदेव की जय हो, आई डोंट नो व्हाई मेरे अंदर का वाइकिंग जाग गया और मैं अजीब अजीब एंसेस्ट्रल बातें करने लग पड़ा कि मेरे पूर्वज महान थे और पता नहीं क्या क्या। मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त मेरा दिमाग अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो रहा था। वो राइड अराउंड 1.5 से 2 घंटे की थी क्योंकि मैं बहुत धीरे बाइक चला रहा था। इनफैक्ट वहाँ पर एक गाड़ी भी आई तो उनको भी यकीन नहीं हुआ कि मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ पहुँच जाएंगे, क्यों देवर शॉक्ड सरप्राइज्ड कि इतनी बारिश में अकेला बाइकर कैसे चल सकता है। वहाँ से मैं किसी तरह से बिलिंग तक पहुँचा। अब इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जब फाइनली समय आता है कि मैं अच्छा व्यू दिखा सकता हूँ, थोड़ी दूर व्यू रहा है बिलिंग का जो कि बाय द वे वर्ल्ड का हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, तभी मेरे फ़ोन की जाती बैटरी डेड और मेरे फ़ोन के चार्जिंग पॉइंट में चला जाता है मॉइस्चर, तो मैं बाइक से चार्ज भी नहीं कर सकता फ़ोन को जब तक वो मॉइस्चर सूख नहीं जाता। तो वहाँ से मैं सफ़र पूरा करता हूँ बिलिंग तक का। बिलिंग में पहुंचकर मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट व्यू देखने को मिलता है जो कि इतना कंट्रास्ट से भर चुका था बारिश की वजह से, सब कुछ चमक रहा था और वहाँ पे लोग ही लोग मिलते हैं जिनको देखकर फाइनली फील होता है कि मैं सोसाइटी के अंदर आया हूँ, सिविलाइजेशन के अंदर आया हूँ, क्योंकि मैं जंगल से निकला था। उधर सबसे पहले मैं अपनी शर्ट खोलता हूँ क्योंकि मैं कांप रहा था और मैं अपनी शर्ट को निचोड़ता हूँ। सब टूरिस्ट मुझे घूरते हैं कि ये पागल कौन है, इतनी ठंड में नंगा हो रहा है। शर्ट को पहुँचने के बाद, निचोड़ने के बाद एक भैया दिखते हैं जो कि हमारे साथ ही ट्रिप शुरू की थी और हमारी गैंग में थे, वो हमसे बहुत पहले पहुंच चुके थे। मैं उनसे उनका फ़ोन मांगता हूं थोड़ी देर के लिए कि क्या मैं व्लॉग शूट कर सकता हूं, मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म है, आप व्हाट्सएप दे देना। एंड वो इतने अच्छे भैया थे कि वो मेरी बात मान जाते हैं। तो यहीं रहो यहीं रहो, मेरे फ़ोन की बैटरी हो चुकी है ख़त्म, तो मैंने अभी आगे फ़ोन से रिकॉर्ड की है तो मैं ये दिखा सकता हूँ। एक बार भैया वो वाला भी दिखा दो, ये पूरा बीर है ना कि बिलिंग है, ये बिलिंग है, बिलिंग का नीचे बीर है, ठीक है। बाकी यही है व्यू, बहुत गंदा रास्ता था, मरते मरते पहुंचे इधर, ठंड का बुरी हालत है। ये है पूरा का पूरा एरिया, सुंदर जगह है यार, जो भी बोल रहे सुंदर जगह है, मज़ेदार जगह है, रिकमेंडेड 10 out of 10। मुझे भैया जी का फ़ोन मिल गया, बहुत बहुत थैंक यू इनको। तो ये है पूरा का पूरा बिलिंग, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ, गंदी कुत्ती बन चुकी है इस वक्त मेरी। ये है पूरा का पूरा एरिया, यहाँ पर बारिश तो बंद है एटलीस्ट, तो मैं ऐसे फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर। पर अब जब मैं बैठ कर ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बाइकर छपरी नहीं होते हैं, बाइकर्स बिगड़े हुए लोग नहीं होते हैं, और बाइक को राइड करने में और ट्रैवल करने में सोलो खासकर एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लिस है। आई वुड अर्ज कि यार तुम लोग एक बार जीवन में ट्राई जरूर करना, कुछ ना कुछ तुम अपने बारे में या किसी के बारे में डिस्कवर करोगे। मैंने यहाँ पर ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्कवर किया कि जिस बंदे के बारे में तुम एक एरोगेंट टाइप की अजम्पशन बना सकते हो कि ये गंदा बाइकर है, ये वो है, वो ही तुम्हारी जान बचाने लेवल की हेल्प कर सकता है, तुम्हें साथ दे सकता जब तुम्हारा बैग रह गया, तुम्हें कपड़े दे सकता जब तुम ठंड से कांप रहे। यहाँ पर मैंने लाइफ की अनसर्टेनिटी के बारे में
जाना, जो ट्रिप तुम्हें बहुत बोरिंग और यूजलेस सी लग रही है वो ही रैंडमली तुम्हें दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशंस दिखा सकती है, तुम्हारी लाइफ की वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइट्स से साइट सीइंग करवा सकती है। एंड मैंने यहाँ पर सीखा कि जिस हॉबी को तुम छपरियों की चप्पल चोर लोगों की हॉबी मान रहे हो, मे बी वो वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट सोल्स की हॉबी हो। तुमने क्या समझा बताना जरूर। जाने ना कोई पहचाने ना कोई, जाने ना कोई पहचाने ना कोई, हमको रास्ते में देखो जाना कितनी दूर, किसी से हमें